प्रदूषण से बचना है, प्रदूषण से बचना है, संसार को बचाना है, प्रदूषण से बचना है, संसार को बचाना है। तो मैं हूँ प्रदूषण और आप सबों के बीच में मैं आ चुका हूँ। आप लोगों ने देख ही लिया है कि कैसे मैंने पूरा तबाही मचा रखा है दुनिया को। मैं इन लोगों के मृत्यु को कारण बनूंगा, मैं इन लोगों को निकल जाऊंगा। मैं ही सबकी प्यास बुझाता हूँ। मैं पृथ्वी सबको रहने और चलने का जगह दी। मैं हूँ वायु, मैंने सबको ऑक्सीजन दिया और जीवित रखा। आखिर हमारी गलती क्या, हमसे क्या भूल हो गई? आखिर हमारी गलती क्या, हमसे क्या भूल हो गई? गलती हुई ना तुमसे, कोई भूल हुई किसका? तो बस एक ही कारण है, वो जो है इंसान, तो है इंसान। तुम सब इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें तो केवल इसका तो बस एक ही कारण है, जो है इंसान। इंसान नहीं, अपनी भरपेट भूख को वो करने के लिए आप ये प्रदूषण फैलाया है, इसीलिए इसका जिम्मेदार केवल प्रदूषण है। गणपति बप्पा मौर्या, मूर्ति मंगल मौर्या। तो देख लीजिए, ये मूर्ति विसर्जित करने चल रहे हैं और पानी को गंदा करेंगे। पानी को गंदा होगा तो उसमें जीव रहने वाले भी मर जाएंगे। जीव मर जाएंगे तो हम लोग भी मर जाएंगे, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। ये देखो, लाल बत्ती जलते हुए भी ये गाड़ी नहीं रोक रहा है, वायु को प्रदूषण कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। श्रीमान जी वाहन चलाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। यह देखिए, ये क्या रंग लाया, अस्थमा, एलर्जी, कैंसर जैसी ढेर सारी बीमारियां और पूरे दुनिया को तबाह कर डाला है। और इसी तरह मैं सबको निकल जाऊंगा। हा, 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 मैं हूं प्रदूषण। अरे देखो, ये तड़प भी रहा है और मरने का इंतजाम भी कर रहा है। क्या आप सभी में कहने की क्षमता है? हाँ जी, सबको समझाऊं? हाँ जी, हाँ जी। एक बात बताऊं? हाँ जी। पर्यावरण बचाऊं? हाँ जी। जागरूकता लाऊं? हाँ जी। सावधान रहें या हमारी लापरवाही करने से हमारा सब कुछ छीन न जाए। धरती को बचाना है। एक व्यक्ति एक पेड़, यही हमारा नारा है, यही संकल्प हमारा रहेगा। करवाएंगे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना ही हमारा कर्तव्य होगा। रहेगा तभी दुनिया आगे बढ़ेगी, और जीवन नहीं रहेगा, प्रदूषण दूषित रहेगा तब दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। तेरा मेरा ये